दिल्ली के रामलीला मैदान में वीएचपी की धर्मसभा चल रही है और इस वक्त मंच पर आरएसएस के सर कार्यवाह भैया जी जोशी संबोधित कर रहे हैं सभा को सीधा चल। भारत का अपना एक स्वभाव है कि हम इस प्रकार के सारे विषयों को सद्भावना और शांति के साथ ही चलाना चाहते हैं। हमारा किसी के साथ संघर्ष नहीं है और अगर संघर्ष अगर किसी प्रकार का है तो जो भारत के ऊपर बाहर से आए विदेशी शक्तियां आई आक्रांत आए इस समाज को भयग्रस्त करते हैं मिटाने की कोशिश करते रहे ऐसे विदेशी आक्रांताओं के साथ हमारा संघर्ष है। इस देश में रहने वाले सभी संप्रदाय सभी प्रकार की पूजा पद्धति मानने वाले किसी के साथ भी हमारा कोई संघर्ष नहीं और इसलिए हम चाहते हैं कि ये सब शांति से सद्भावना से हो। जो भी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं हम उन सब प्रयासों का हम स्वागत करते हैं और इसलिए संबंधित सभी लोग इसमें सकारात्मक पहल करें इसकी आवश्यकता है। अगर संघर्ष ही करना होता तो इतने दिन तक राह नहीं देखते। 2010 में जिसको सभी न्यायालयों ने लखनऊ बेंच ने स्वीकार कर लिया लेकिन अगर कुछ कमी छोड़ी होगी इसलिए तो हम सर्वोच्च न्यायालय में गए। हम सर्वोच्च न्यायालय से अपेक्षा करते कि वो छोटी सी कमी को वो दूर करे। दुनिया भर का इतिहास ये बताता है कोई भी एक राष्ट्रभक्त समाज देशभक्त समाज गुलामी के पारतंत्र के आक्रांताओं के चिन्हों को आक्रांताओं के निशानियों को कोई भी स्वाभिमानी समाज नहीं चाहता है। और हम तो यहां पर इस देश के रहने वाले मैं तो कहूंगा कि 125 करोड़ है उनका भी एक स्वाभिमान है। यहां के 125 करोड़ लोगों की मन की भावना होनी चाहिए कि आक्रांताओं के निशानों को हम दूर करके रहेंगे। यही हम सबका स्वप्न है यही सब उनकी आकांक्षा है। अनेक महापुरुषों ने हम सबके सामने एक स्वप्न रखा कि देश राम राज्य चाहता है। राम राज्य में न्याय है राम राज्य में सुरक्षा है राम राज्य में विकास है राम राज्य में आस्थाओं की सुरक्षा है राम राज्य शांति का संदेश देने वाला है। इस राम राज्य की आकांक्षा करते हैं। भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के संप्रदायों के मार्ग पर चलने वाले क्या शांति नहीं चाहते? फिर वो किसी भी समाज किसी भी संप्रदाय के अनुयायी हो सभी लोग ये चाहते हैं कि हम यहां पर राम राज्य हो। राम राज्य कोई धर्म राज्य नहीं होता संप्रदाय का राज्य नहीं होता राम राज्य ये तो सुख शांति को बहाल करने वाला राज्य होता है। और इसलिए अनेक महापुरुषों ने महात्मा गांधी जी ने भी कहा कि हम राम राज्य का स्वप्न देख रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ही देश का समाज आंदोलन करते हुए भी यही भाव रखता है कि यहां पर न्याय व्यवस्था है उसकी प्रतिष्ठा बनी रहनी चाहिए। यहां का न्यायालय है उसकी प्रतिष्ठा बनी रहनी चाहिए। जिस देश में न्याय व्यवस्था और न्यायालय के प्रति अविश्वास का भाव जगता है उस देश का उत्थान होना असंभव है। इसलिए हम चाहते हैं कि न्याय व्यवस्था भी इसका चिंतन करे इसका विचार करे। आज सत्ता के केंद्र में जो लोग हैं हम उनसे भी अपेक्षा करते हैं कि वो इतने बड़ी जो हिंदू समाज की शक्ति है उसकी भावनाओं को सम्मानित करें और अपने इस सम्मान को प्रतिष्ठापित करने के लिए जो जो भी कदम उठाए जाने चाहिए वो कदम उठाने की दिशा में बढ़ना चाहिए। लोकतंत्र में
सत्ता की भी अपनी एक शक्ति होती है। आज की वर्तमान सत्ता से हम अपेक्षा करते हैं कि अपने पूरे सामर्थ्य का उपयोग करते हुए इस दिशा में आगे बढ़े। लोकतंत्र में जनता की आकांक्षाओं, जनसामान्य की आकांक्षाओं की पूर्ति करना, ये लोकतंत्र में सत्ता की प्राथमिकता होनी चाहिए। जनभावनाओं को उपेक्षा करते हुए, जनभावनाओं के अपमान करते हुए ये देश कभी स्वाभिमान से खड़ा नहीं हो सकता। इस देश की सब प्रकार की व्यवस्थाओं ने इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। और लोकतंत्र में तो हम कहेंगे कि सत्ता ये सर्वोपरि नहीं परंतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली होती है। सत्ता के केंद्र में बैठे हुए लोगों ने इसको समझने की आवश्यकता रही। और हमारा विश्वास है कि आज सत्ता के केंद्र में संचालित करने वाले बंधु इस समाज की भावनाओं से भलीभांति परिचित है। केवल परिचित नहीं तो सहमत भी है। अंतर के मन से अगर प्रश्न पूछेंगे तो हम जो कह रहे हैं उसके अलावा और कोई विचार वहां पर नहीं होगा, ऐसा हमारा विश्वास। इस विश्वास को बनाए रखना पड़ेगा। और कभी तो लगता है कि उन्होंने भी अपना एक संकल्प घोषित किया है, अयोध्या में ही राम मंदिर बनेगा, राम जन्मभूमि पर बनेगा, मंदिर वहीं बनाएंगे की घोषणा इन सब लोगों ने की है। जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं उनका भी संकल्प है। मैं समझता हूं कि यह संकल्प पूर्ति का अवसर अब आ गया है। बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के अपने संकल्प को पूर्ति करने की दिशा में उन्होंने बढ़ना चाहिए, यही हम सब उनसे निवेदन करते हैं। संविधान का मार्ग है, न्याय है, ये सभी मार्ग अभी शेष है। और लोकतंत्र में संसद का भी अपना एक अधिकार है, संसद का दायित्व भी है, दायित्व भी बनता है। और इसलिए यहां के पूज्य संतों के द्वारा जो व्यक्त किया गया, करोड़ों राम भक्त जो चाहते हैं उस कानून बनाने की दिशा में वर्तमान सरकार ने पहल करनी चाहिए। इसका और कोई विकल्प आज ध्यान में नहीं आता है। अगर यह पुनीत कार्य होना है तो इसकी जितने भी बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर करने के लिए निर्भयता से आगे आने की आवश्यकता है। यही हम सब राम भक्तों का एक निवेदन है। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं और उस भावनाओं का सम्मान करना, भावनाओं की अपेक्षाओं की पूर्ति करना, ये लोकतंत्र में इसमें सत्ता की बड़ी भूमिका होती है। और हमें विश्वास है कि आज के सत्ता में बैठे हुए बंधु इन सब बातों को समझकर एक सकारात्मक पहल की दिशा में कदम डालेंगे, ये हम सब विश्वास व्यक्त करते हैं। हो गए अब ये मेरे मंच के बाई ओर जो कार्यकर्ता उधर से आ रहे हैं वो कृपया जो मार्ग निश्चित है उसी से आएंगे, और जो वहां पर सुरक्षा कर्मी लगे हैं वो हमारी व्यवस्था के लिए लगे हैं। हमारा फर्ज होता है कि हम उनका सहयोग करें और उस सहयोग के द्वारा ही अपने कार्यक्रम को यशस्वी बनाने में सहयोग दें। जो मीडिया कर्मी भी हैं वो भी कृपया वहां से हटने की कृपा करें। माननीय भैया जी जोशी, 1992 में देश के कोने कोने से आए हुए कार सेवक राम भक्त, उन्होंने अपने शक्ति का, सामर्थ्य का परिचय दिया और उस आक्रांताओं के निशाने को मिटा दिया। लेकिन काम अधूरा हुआ, ढांचा तो उध्वस्त हुआ, समाप्त हुआ, उसकी निशानी कुछ नहीं बची। लेकिन भगवान राम तो वहां पर बहुत अस्थायी निवास में रह रहे हैं।
जब कोई भी वहां पर दर्शन करने के लिए जाता है, एक पीड़ा का अनुभव करता है, एक वेदना का अनुभव करता है कि क्या हमारे आराध्य सालों साल इसी प्रकार के अस्थाई भवन में रहेंगे, अस्थाई आवास में रहेंगे, और क्या राम भक्त देखते रहेंगे। अभी जब मैं अयोध्या गया, दर्शन हुए, मैं उसी भावनाओं को फिर एक बार यहां पर व्यक्त करना चाहता हूं कि आज देशभर का राम भक्त कार सेवकों के द्वारा, राम भक्तों के द्वारा निर्मित एक विशाल भव्य मंदिर में भगवान राम के दर्शन करना चाहता है। अस्थाई निवास का कालखंड समाप्त की ओर चल पड़ा है, थोड़ा और धक्का देने की आवश्यकता है और निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने की आवश्यकता है। हम सभी चाहते हैं कि अपने आराध्य का दर्शन उस भव्य राम मंदिर में हो, जिसका संकल्प, जिसका मानचित्र, जिसकी कल्पनाएं जिन लोगों ने की है, देश भर के लोगों ने अपने गांव गांव से राम शिलाओं का पूजन करते हुए अयोध्या में भेजा है, ऐसी सारी कल्पनाओं का लेकर फिर एक बार भव्य निर्माण मंदिर हो, यही हम सब चाहते हैं, यही हमारी इच्छा है। मैं तो कहूंगा किस मंदिर का निर्माण भविष्य में आने वाले राम राज्य की नींव बनेगा, उसका आधार बनेगा, भविष्य का निर्धारण होगा। भविष्य में ये भारत देश, अपना हिंदुस्तान, हिंदू समाज कौन सी दिशा में आगे बढ़ने वाला है, उसकी दिशा निर्धारण करने का एक जो बड़ा चरण है वो इस भगवान राम के मंदिर का भव्य निर्माण, ये उसका प्रारंभ है। सारे विश्व को हम एक संदेश देना चाहते हैं, सारे विश्व को हम एक मानवता का संदेश देना चाहते हैं, सारे विश्व को समन्वय का संदेश देना चाहते हैं। भगवान राम के संदेश, भगवान राम का जीवन, ये केवल भारत के लिए नहीं तो सारे मानव जाति के लिए एक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए हम सारे विश्व के समुदाय को आह्वान करते हैं कि इसको संकुचितता के, सांप्रदायिक के दृष्टि से न देखें। यह किसी भी एक स्वाभिमानी देश का एक सम्मान का प्रतीक है, यह सबका अधिकार है, स्वतंत्र देश को अपने सारे स्वाभिमान स्थापित करने का अधिकार है, और इसलिए उस पुनर्प्रतिष्ठा का यह कार्य प्रारंभ होने वाला है भगवान राम के मंदिर के निर्माण के साथ। इसलिए भविष्य का भारत कैसा होगा यह निश्चित होने वाला है इस प्रकार की बाधाएं दूर होने के बाद। जब मंदिर का कार्य प्रारंभ होगा तो ये बाधाएं दूर, देश के धर्माचार्य, मठाधिपति, महामंडलेश्वर, आचार्य, जन सामान्य के साथ साथ गांव गांव में रहने वाला, नगरों में रहने वाला, पढ़ा लिखा, अनपढ़, धनवान, संपन्न, गांव का रहने वाला, वनांचल का रहने वाला, नगरों में रहने वाला, ये करोड़ों का राम भक्तों का जो भाव है वो धर्म के, धर्माचार्यों के साथ उनके भी अपनी एक भावनाएं हैं, और इसलिए उस आकांक्षा की, इच्छाओं की पूर्ति हो, शीघ्रता से हो। बहुत वर्षों तक राह देख लिए हमने, न्यायालय का सम्मान करते हुए अभी तक राह देखी है, लेकिन अब लगता है कि न्यायालय के इस राह देखते देखते हमारी भी राह देखने की सीमा आ गई है, और अब एक ही विकल्प बचता है जो सब संतों ने कहा, सब धर्माचार्यों ने कहा, सभी की भावना है कि कानून बनाते हुए इसकी सब प्रकार की बाधाएं शीघ्रता से दूर हो, यही हम सबकी आकांक्षा है। और मैं अंत में इतना कहूंगा, क्या हमें विश्वास है, आज भी विश्वास है। तो दिल्ली के रामलीला मैदान से आरएसएस के सर कार्यवाह को आप सुन रहे थे। भैया जी जोशी ने साफ किया कि राम मंदिर बनाने के लिए कानून ही एकमात्र अब रास्ता है, सरकार जल्द कानून लाए राम मंदिर बनाने के लिए, और बीजेपी राम मंदिर बनाने का अपना संकल्प पूरा करे। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ये बड़ी कवरेज आगे भी जारी है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।